यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खटीमा सब्जी मंडी में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से 100 से ज्यादा भवनों को तुलवा दिया। हालांकि दुकानदार प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने में भेदभाव कर रहा है। कुछ रोज पहले प्रशासन ने टनकपुर रोड पर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया था। कराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। हमारे साथ गरीबों के साथ दिवाली का टाइम वैसे लॉकडाउन का आदमी सताया हुआ है और ऊपर से कहीं ना कहीं दिवाली का त्योहारों का टाइम आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये लोग गरीबों के साथ जो है वो भेदभाव कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ कुछ भी नहीं, बिल्डिंगें नहीं टूट रही है और कहीं ना कहीं दिवाली सर पे है। हालांकि दुकानदार प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने में भेदभाव कर रहा है। कुछ रोज पहले प्रशासन ने टनकपुर रोड पर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया था। भेदभाव कराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। हमारे साथ गरीबों के साथ दिवाली का टाइम वैसे लॉकडाउन का आदमी सताया हुआ है और ऊपर से कहीं ना कहीं दिवाली का त्योहारों का टाइम आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये लोग गरीबों के साथ जो है वो भेदभाव कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ कुछ भी नहीं, बिल्डिंगें नहीं टूट रही है और कहीं ना कहीं दिवाली सर पे है। हालांकि दुकानदार प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने में भेदभाव कर रहा है। कुछ रोज पहले प्रशासन ने टनकपुर रोड पर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया था। भेदभाव कराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। हमारे साथ गरीबों के साथ दिवाली का टाइम वैसे लॉकडाउन का आदमी सताया हुआ है और ऊपर से कहीं ना कहीं दिवाली का त्योहारों का टाइम आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये लोग गरीबों के साथ जो है वो भेदभाव कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ कुछ भी नहीं, बिल्डिंगें नहीं टूट रही है और कहीं ना कहीं दिवाली सर पे है।